नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सूडी पाठशाला, आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों हम लोग के वीडियोस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है क्योंकि टॉपिक बहुत सही सेलेक्ट हो रहा है। आप लोग की बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे तक पहुंच रही है और मैं उस पर वीडियो बना दे रहा हूँ। आप लोग के ही थ्रू मुझे पता चला कि आप लोग जानना चाहते हो कि ये पोर्टल पे हम लोग अपना जो पेमेंट लिंक आएगा वो चेक कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कोर्स अलोकेशन आया है और हमें ये कोर्स अलॉट हुआ है। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग इस 2024 में जो एक नया डैशबोर्ड है, जो एक नया वेबसाइट है जिसपे जाके आपका ये सब पूरा प्रोसेस होने वाला है, तो वो हम लोग जानेंगे क्योंकि ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो इससे पहले सालों में हम लोग देखे थे वो BHU अपने ही BHU ऑनलाइन पोर्टल पे देता था, वहां पे प्रेफरेंस का, प्रोफाइल का, कोर्स अलोकेशन का पूरा एक जो है आइकन बन के आ जाता था। लेकिन अभी जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए हर किसी को जानना चाहिए, बेहद जरूरी है। वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपका कट ऑफ आने वाले 3-4 दिनों में, आज 8 है आई थिंक, तो 3-4 दिनों में आपका जो है PG का कट ऑफ आने लगेगा। और वो किस कोर्स का आएगा, किस डिपार्टमेंट का आ रहा है, कितने नंबर तक आया, ये तमाम चीजें मेरे थ्रू आप जान पाओगे। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि शायद ये आपको कहीं और देखने सुनने को ना मिले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी है नीरदर्शन, वहां पे भी जाकर अपनी प्रॉब्लम फॉलो करके रख सकते हो, मैं आपको कॉलिंग नंबर दूंगा और फिर डायरेक्टली आप मेरे से बात भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो डैशबोर्ड जिससे हम लोग काफी ज्यादा वाकिफ हैं क्योंकि यहीं से हम लोग का फॉर्म फिलअप हुआ था, जानते ही हो, रजिस्ट्रेशन हुआ था हम लोग का, यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल फिलअप हुआ था, ये सब पेमेंट करके फाइनली अपना जो फॉर्म है आप सबमिट कर दिए थे। लेकिन यहां तक पहुंचने का जो रास्ता आसान वाला है वो क्या है, आप ऐसे गए BHU सामर्थ, आप बस सर्च करो, ठीक है, और आप ये देखोगे सेकेंड नंबर पे एडमिशन पोर्टल आ रहा है, बस ऐसे ओपन करते ही ये आपका कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी एक लोग का लॉगिन किया हुआ था, एक्चुअली आप यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है, ठीक है, यहाँ से आप इसको लॉग आउट करोगे, ठीक है, यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप लॉग आउट करके और फिर अपना CUET का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो और आपका जो पासवर्ड है वो डालोगे तो फाइनली आपका ये प्रोफाइल खुल जाएगा। तो इस प्रोफाइल पे ही जो है, यहाँ पे जैसे प्रोफाइल है, CUET स्कोर कार्ड है, माई पेमेंट है, यही पे आपका बाकी का जो आइकन है वो शो होगा। लेकिन पहले कैसे शो होता था, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ये मेरा ही वीडियो है, पिछले साल का वीडियो है या उससे पिछले साल का वीडियो है, ये 2000 लिखा नहीं है इस पे, आई थिंक 2022 का ये वीडियो है, ठीक है, 2022 का ये वीडियो है। और उस समय जब BHU अपने ही पोर्टल पे देखो कराता था, देखो यहाँ पे BHU का आइकन बना हुआ है ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और ये डैशबोर्ड है जहां पे हम लोगों ने क्या किया था पूरा, देखो यहाँ पे हम लोग का रूल्स एंड प्रोसीजर, वहां पे जो रूल होते थे वो शेड्यूल है, ठीक है, कॉल लेटर है, प्रेफरेंस एंट्री है, कोर्स अलोकेशन है, हॉस्टल अलोकेशन है। तो देख रहे हो एक बच्चे का जैसे देखो कॉलिंग आया है तो इनका पूरा कॉलिंग यहाँ पे आ गया, यहीं पे देखो क्या है कोर्स अलोकेशन, ये कोर्स अलोकेशन जो है मतलब उस बच्चे का, जैसे ही मैं वीडियो प्ले चालू करूंगा ना तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ इनको ये कोर्स मिला हुआ है। और उसी कोर्स अलोकेशन के लास्ट में यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो एक प्लेस होगा वहां पे लिखा होगा पेमेंट कर दो यहाँ पे। तो अब ये डैशबोर्ड जो है, अब यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है उसको हम लोग दूर कर लेते हैं। जैसे अभी डैशबोर्ड है, ये न्यू डैशबोर्ड है हम लोग का, ठीक है, और यहां पे उस तरीके से आइकन नहीं बना हुआ है। तो हो दो चीज सकता है, या तो अभी जो आइकन की विजिबिलिटी है ये चेंज हो जाए, ठीक है, क्योंकि होना इसी पोर्टल पे है, होना इसी वेबसाइट पे है, बात ध्यान दिमाग में बैठा दो, ठीक है, कहीं और नहीं जाना है, होना यही है, या तो इसका आइकन थोड़ा सा बड़ा बड़ा इस तरीके से बॉक्स टाइप का बना दे, यहाँ पे अलग कर दें प्रेफरेंस से, यहाँ पे रूल्स एंड प्रोसीजर अलग कर दें, यहाँ पे कोर्स अलोकेशन अलग कर दें, यहाँ पे हॉस्टल अलोकेशन अलग कर दें, ऐसा बना सकते हैं जैसा उस बार था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रोग्रामिंग करके बन सकता है क्योंकि अभी समय है। और अदरवाइज यहीं पे एक और आइकन ऐड हो जाएगा, ठीक है, जहां पे फाइनली कोर्स अलोकेशन और पेमेंट का आ जाएगा। और एक और बात बता रहा हूं, इसी पोर्टल पे आपसे एक नोटिफिकेशन मांगा, एक नोटिफिकेशन आएगा जहां पे आपसे आपके जो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप उस मेरिट ऑफ कट ऑफ में आते हो तो आपसे मांगा जाएगा। और आपने जो मेल दिया है BHU को, जो CUET में मेल दिया है CUET के थ्रू BHU PG रजिस्ट्रेशन में, आपसे निवेदन करूंगा कि वो मेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस मेल पे भी जब यहाँ पे कोर्स अलोकेशन आएगा तो वहां पे नोटिफिकेशन आएगा कि ये कोर्स आपको अलॉट हुआ है, kindly visit this website and do payment. तो आपसे निवेदन है, उतना ही नहीं, आपसे जो incorrect documents हैं वो या तो इसी portal के थ्रू मांगे जाएंगे
या तो आपसे मेल पे मांगा जाएगा कि आप इस मेल पे फाइनली सेंड कर दो, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इन सभी चीजों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपके कट ऑफ आने के जस्ट बाद या पहले, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपके एडमिशन को सही माना जाएगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत है तो वहां पे वो कंसिडर नहीं करेंगे, जबकि आप उस मेरिट ऑफ कट ऑफ में आते हो तो मेरिट ऑफ कट ऑफ में अगर आपका आता है नंबर तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, जो कि मैनुअली होता है। वो ओपन कर करके एक ही बच्चे का डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, ऐसा होता है। और जब जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो फिर वो आपको पेमेंट का आइकन भेज देते हैं, यहाँ पे कहीं पेमेंट का आइकन आ जाएगा और फाइनली आप पेमेंट कर पाओगे। इस पूरे प्रोसेस में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई बदलाव होता है, कोई रिडायरेक्ट लिंक क्रिएट कर देते हैं, इस डैशबोर्ड का कोई आइकन चेंज कर देते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा कि देखो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस फॉलो हो गया है। अच्छी बात ये है कि जब आपका पेमेंट आएगा, ठीक है, जब 11-12 तारीख को उम्मीद जब मैं कर रहा हूं आने की, जब ये आने लगेगा तो मैं एक बच्चे का पूरा लेके दिखा दूंगा कि देखो इस बच्चे का आया हुआ है, इस तरीके से पूरा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, तो आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आने वाले समय में जो बच्चे हैं वो अपना पोर्टल उसी प्रोसेस से चेक करते रहेंगे, तो एक बार उनके सामने पूरा एक डैशबोर्ड दिखने लगेगा तो इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ये वीडियो आप सभी को शेयर कर दो, ठीक है। यहां तक जाने का रास्ता आप सभी को पता चल ही गया है। तो बेसिकली यही पोर्टल है जहां पे हमें चेक करना है, चूंकि यही हमारा प्रोफाइल है इस बार का, जो कि सामर्थ की वेबसाइट पे बनाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करोगे, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा इंस्टा आईडी या निर्दर्शन वहां पर आप मुझे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और आपसे निवेदन फिर से मैं करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर करेगा, कमिंग डेज में मेरे वीडियोस बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं।